हेलो एवरीवन, मैं हेमा, मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आज हम पढ़ेंगे शेखी बाज मक्की की कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल है, उस जंगल में जो शेर है एक, वो भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। जो मक्खी है ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। एक मक्खी जो है वो उड़ के उस शेर के पास आती है। शेर ने दो तीन दिन से स्नान नहीं किया था। जो शेर था उसने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब वो नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन भिन करने लगी, है ना। जो मक्खी थी वो शेर के जो कान होते हैं उसके पास आके वो भिन भिन करने लगी, है ना। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। एक तो शेर को नींद आई थी बहुत मुश्किल से, है ना। उसने पंजा उठाया, मतलब वो जो शेर था उसने पंजा उठाया और मक्खी वहाँ से उड़ गई। उसको उसने जैसे मारने के लिए पंजा उठाया, तभी मक्खी जो थी वहाँ से उड़ गई। लेकिन फिर से वो शेर के कान के पास आकर भिन भिन शुरू हो गया। फिर और आई मक्खी और उसके जो कान है उसके पास आके भिन भिन करने लगी, है ना। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। वो जो शेर था वो दहाड़ा, दहाड़ने का मतलब होता है चिल्लाना, जो शेर की आवाज़ होती है उस आवाज़ में वो दहाड़ा और उसको बोला कि अरे मक्खी मेरे से दूर हट, है ना, वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा को मुँह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो जो मक्खी थी उसने बोला कि जो तुम जंगल के राजा हो तो ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, है ना। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। शेर का गुस्सा बढ़ गया, जो शेर था उसका और गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने भी नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। जो शेर था उसने कहा मक्खी से कि तुम एक तो मुझे सोने भी नहीं दे रही हो और ऊपर से मुझे परेशान किए जा रही हो, है ना, चुप हो जाओ वरना अभी, मतलब यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम किसी को बोलते हैं कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें कुछ करूँगा, मारूँगा, है ना, वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए बाद में क्या बोलती है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी, ऐसे मक्खी बोलती है। क्या मैं तुमसे डरती हूँ, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो वो जो मक्खी होते छोटी सी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम मेरे सामने आ जाओ अगर तुम्हें हिम्मत है तो, है ना। तो देखिए क्या होता है। फिर बाद में शेर आग बबूला हो उठा। जो शेर था उसको बहुत गुस्सा आया और, है ना, आग बबूले का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। लेकिन जो मक्खी थी उसके कान पर बैठी, तो उसने क्या किया, पंजा उठा के कान पर मारा। वो मक्खी जो थी वो उड़ गई, लेकिन जो शेर का कान था वो छिल गया, है ना। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो वो क्या किया उसने, और वो उड़ गई नाक पर बैठी, तो वहाँ पे उसने पंजा मारा शेर ने। तो फिर बाद में मक्खी जो थी वहाँ से भी उड़ गई, तो जो शेर का नाक था वो थोड़ा सा छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, इसको मारते मारते कैसे ब्लड लग गए हैं, है ना, अपने फेस पर। तो देखिए आगे क्या होता है। अंत में शेर उब गया, थक गया, मतलब उब जाना का मतलब होता है वो थक गया था वैसे करते करते, है ना। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो उसने बोला कि मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ दो, तुम जीती और मैं हार गया। तो चलिए आगे क्या होता है। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, तो मक्खी को बड़ा घमंड आ गया कि शेर जो था मुझसे डर गया। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो सामने अगर वहाँ से मक्खी गई तो फिर उसको फिर हाथी मिला, उसने बोला कि जंगल के राजा ने मुझे क्या बोला है, मेरे से हार गया है, तो तुम मुझे प्रणाम करो। अब
इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से तो समय कौन बर्बाद करे। तो जो हाथी था उसको लगा कि ये बहुत बहस कर रही है, पागल हो चुकी है। तो फिर उसने बोल उसने देखिए उसने क्या किया, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। फिर जो हाथी था उसने बोला कि ये तो पागल है, इसको प्रणाम कर देता हूँ, और आगे बढ़ गई, है ना। सामने से आ रही थी लोमड़ी, यह सब देखा, जो सामने से एक लोमड़ी आ रही थी उसने उसको देखा कि ये हाथी जो मक्खी है और हाथी है, ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, ना। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी, जो लोमड़ी थी वो मुस्कुराई, थोड़ी सी हंसी, है ना। उसने मक्खी ने लोमड़ी से कहा, जो मक्खी थी वो लोमड़ी से कहती है, अभी देखिए, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। उसने कहा कि लोमड़ी को भी अभी प्रणाम करने के लिए, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल में हाथी को भी हार दिया है, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। जैसे कि कोई बोलता है, उब जाता है एक दूसरे से, तब बोलता है कि तुम धन्य हो बाबा। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। धन्य है आपकी जीवन और धन्य है आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो लो। तो जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी, उसने उसको कहा कि मक्खी रानी वो जो एक मकड़ी है वहाँ पे, वो आपको गाली दे रही है, आप जाओ और उसकी खबर ले लो, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। फिर यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, जो मक्खी थी उसको बहुत गुस्सा आ गया। अभी मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई, अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये देखिए, ये जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी, उसको उसने फंसा दिया था उसमें, है ना। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इस स्टोरी पे। कैसी लगी कहानी, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। ये देखिए यहाँ पे है, तुम्हें कहानी में कौन अच्छा लगा और क्यों लगा, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में लिखना है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा कर मार दिया और उसको बचा लिया। मतलब जो मकड़ी होती है उसको उस जाले में फंसा कर उसका जो घमंड होता है वो चूर चूर हो जाता है बाद में, तो वो इस बातचीत से सबको बचा लेती है, है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा कहानी के आगे बताओ, है ना। देखिए इसमें मैंने लिखा है, मकड़ी जो मक्खी थी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाले में घुसी तो वह फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती गई उतनी ही वो फंसती गई। इस तरह से उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया और आखिरी में वह मर गई। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आगे आपको पढ़ना है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर रखते, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, हम लोग देख लेते हैं। यदि लोमड़ी को ध्यान से रखकर कहानी का नाम दिया जा सकता तो वो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर किया होता कहानी का नाम तो मूर्ख शेर और आलसी शेर होता। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो, जहाँ पे कहानी से किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा होना है, जैसी करनी वैसी भरनी भी हो सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शेर की जगह तुम अगर होते तो क्या करते। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं सेंटेंसेस। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं
करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, जरा नींद आ रही है ना, थोड़ी देर में मैं उठता हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मक्खी उड़ते उड़ते शेर से उब गई गया था। जो मक्खी थी वो उड़ते उड़ते जो शेर था वो उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो, क्या तुम क्या करते अगर आपके साथ मक्खी ऐसी करती तो? देखिए हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं, है ना। आप कब कब उबते हो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ने से भी उब जाते हैं, कई बार हम बहुत देर तक खेलने से ही उब जाते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? यहाँ पे लिखना है अक्सर तुम क्या करते हो कि स्कूल से आकर हम लोग खाना खाकर आराम करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा, या फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे लिखिए। कभी कभी क्या करते हैं हम, आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं या फिर कुछ बुक्स पढ़ते हैं, है ना। तो उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो आइए हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो, यहाँ पे लिखना है। तो जो शेर होता है वो भोजन में मांस खाता है ना, इसलिए उसको जानवर कहते हैं। और आप लोग क्या खाते हो, दाल चावल सब्जी। तो इसमें ये जो लड़की है इसमें लिखना होगा आप जो जो खाते हो, है ना। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, स्टोरी जो थी ये नीचे देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको। किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उनमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहानी को क्रिएट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस कहानी में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मक्खी जो है वो बात कर रही होगी, शायद वो बोल रही होगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, या फिर मैं उड़ सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, फ्रीडम है मुझे, है ना। तो इस नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग, ये जो लायन है वो बोल रहा है शेर, मक्खी बहन तुम जीती, मैं हार गया, मुझे माफ़ कर दो और मेरा पीछा छोड़ो। शायद ऐसे हम कहानी में कुछ भी लिख सकते हैं, जिस जैसे आपको कहानी बनानी है आप वैसे बना सकते हैं। ये स्टोरी क्रिएटर है तो आपको क्रिएट करनी होगी कहानी, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो हाथी है, हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे, ये जो है मक्खी उसको बोल सकती है ऐसे, है ना। नेक्स्ट आता है लोमड़ी, जो है लोमड़ी को भी बोल सकती है क्या मक्खी, ये देखिए यहाँ पे मक्खी बोल रही है। लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई, ऐसे ये जब फॉक्स बोलेगा इसको, जो लोमड़ी है वो बोलेगी, तो वो जो मक्खी है वो बोलेगी कि नहीं मैं किसी से नहीं डरती, है ना। तो आपको यहाँ पे कहानी में लिखना है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये है एक मक्खी रानी, मैं चुप इसलिए हूँ कि वह एक मकड़ी, जो मकड़ी है वहाँ पे, मकड़ी का छत्ता, वहाँ पे एक मकड़ी भी है, तो वो तुम्हें गाली दे रही है ना। तो तुम जाओ और उसकी खबर लो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, तो इससे हमारी जो कहानी है वो क्रिएट हो जाएगी, है ना। कौन क्या, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। कहानी में, कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन थी बताइए आप लोग, मैं लिखवा के दिखती हूँ। जो मक्खी थी वो बहुत घमंडी थी, है ना, आप सभी को पता होगा। और नेक्स्ट है डरपोक कौन था, शेर, मतलब कहानी के हिसाब से शेर तो वैसे होता नहीं, ये डरपोक है ना। चतुर कौन था, हाथी। और फिर बाद में जो है समझदार कौन था, वो हाथी ही था, है ना, कि उसने बोला था कि ये पागल से कौन पंगा लेगा, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए सबसे चतुर कौन थी, लोमड़ी। लोमड़ी जो थी बहुत ही चतुर चालाक थी, है ना। नेक्स्ट है आलसी कौन था, हाथी होता है आलसी, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग अभी। ये देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा की बात करते हैं, इस वाक्य को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, जब शेर था, आग बबूले का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, है ना, शेर बहुत गुस्सा हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना।
जब जो मक्खी थी शेर को बहुत परेशान कर रही थी, तो शेर बहुत आग बबूला हो उठा, है ना, उसकी जरा खबर ले लो, है ना। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, उसको बताती हूँ मैं कि क्या करना है अभी, है ना। तो देखिए ये जो वाक्य है आपको बनाते जाना है, मैं आगे का आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आपको यह करना है कि इसके पास तुमने अक्सर किन किन चीज़ों को उड़ते मंडराते देखा है, तो आपको यहाँ पे लिखते जाना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। चलते बल्ब के पास कौन मंडराता है? मच्छर होते हैं, छिपकली भी होती है, पतंगे, है ना। चलिए खेत में कौन मंडराता है? जो टिंडिया होती है, मच्छर भी होते हैं, चिड़िया भी मंडराती है। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन मंडराता है? मछलियाँ होती है, मक्खियाँ भी होती है, कुछ मच्छर भी होते हैं। तो चलिए आगे, इकट्ठे पानी के ऊपर कौन मंडराता है? देखा है हमने मच्छर और मक्खी। फूलों पर कौन मंडराता है? भंवरे और तितलियाँ। कचरे के ढेर पर कौन मंडराता है? मच्छर और मक्खियाँ। हलवाई की मिठाइयाँ जो होती है उस पर कौन मंडराता है? मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो हो गई ये स्टोरी हमारी कंप्लीट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम और ट्विटर को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दी है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप सब्सक्राइब करिए।